बैक टू माय यूट्यूब चैनल इट्स शिखा। वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ग्लिटरी ग्रीन आई मेकअप लुक। तो यहाँ पर आज हम बहुत ही सुंदर और प्यारा सा आई मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप करे। बहुत ही सिंपल और ईजी वे में मैंने ये वाला आई मेकअप लुक क्रिएट किया है, होप आपको पसंद आएगा। और पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो। सबसे पहले आज यहाँ पर मैंने लिया है एक पिंक शेड, मैंने स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है और आज का ये हमारा ट्रांजिशन शेड होने वाला है। आपके पास जितने भी आई शेडो पैलेट होंगे उसमें से आप एक अच्छा सा पिंक कलर का आई शेडो पैलेट में से पिंक कलर ले लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा ब्राउन लिया है एंड जस्ट क्रीज लाइन पर फॉलो कर रही हूँ एंड स्मॉल फ्लफी ब्रश की हेल्प से ही अच्छे से दोनों कलर को ब्लेंड कर रही हूँ। फिर एक लॉन्ग फ्लफी ब्रश लिया है, दोनों को अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ क्योंकि दोनों कलर को एक दूसरे से अच्छे से मर्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने जेल ब्लैक आईलाइनर लिया है एंड उसको मैं अपने आईलेट पे डिपॉजिट कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने यहाँ पर काजल भी फिल कर लिया है क्योंकि मुझे ब्लैक काजल देनी थी। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक पेंसिल ब्रश लिया है एंड बहुत अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ यहाँ पर राउंड राउंड शेप में। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका कोई भी एजेस हैं वो क्लियर होने चाहिए, ब्लेंड दिखने चाहिए, ऐसे नहीं कि अलग से दिख रहा है कि हमने कुछ अलग से कलर लगाया है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले पेंसिल ब्रश से अच्छे से इंटेंसीफाई कर दिया है ब्लैक कलर को। आई मेकअप लुक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ब्लेंडिंग है। अगर आप ब्लेंड अच्छे से कर रहे हो तो एक स्मोकी आई लुक क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट क्रीज लाइन को आपको अच्छे से फॉलो करना है एंड वहीं पर ही आपने ब्रश को आपको गोल गोल राउंड राउंड में घुमाना है। अच्छे से करने के बाद यहाँ पर मैंने हल्का सा ब्राउन शेड भी लिया था ताकि वो ब्लैक कलर जो है और पिंक कलर जो है अच्छे से मर्ज दिखे। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्रो बोन्स पे एक शिमर शेड लगाया है, फिंगर की हेल्प से ही मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मेरा थोड़ा सा पिंक शेड पर भी शिमर शेड लग गया था तो दोबारा से मैंने स्मॉल फ्लफी ब्रश लिया है एंड जस्ट ब्लेंडिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। पारुल गर्ल का ग्रीन आईलाइनर लिया है मैंने, ग्लिटरी बहुत ज़्यादा सुंदर है यार, मेरा दिल आ गया इन तीन कलर्स पे, ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल। सो मैंने इसी को अप्लाई किया है जस्ट इनर कॉर्नर से मैं आउटर वी तक लेके जा रही हूँ और जस्ट क्रीज लाइन पे फॉलो कर रही हूँ, उससे ऊपर हमको नहीं लगाना है, ठीक है। तो इसको ही मैं फॉलो करते हुए अप्लाई कर रही हूँ एंड एक स्मॉल पेंसिल ब्रश लिया है एंड उससे अच्छे से डिपॉजिट कर रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ना अपने वाटर लाइन पे भी इसको सेम अप्लाई कर लिया था। उसके बाद मास्क का मैंने ये ग्लिटर लिया है, शेड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं आपको शेड प्रोवाइड कर दूंगी। जस्ट फ्लैट ब्रश की हेल्प से इनर साइड पे ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा सा वाटर लाइन पे भी अप्लाई किया है एंड दैट्स इट। उसके बाद मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर लिया है एंड अपनी काजल को फिल कर रही हूँ अच्छे से एंड देन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सेम जो पिंक कलर लिया था उसको भी मैं वाटर लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पर जेल आईलाइनर लिया है, जस्ट अप्लाई कर रही हूँ इनर टू आउटर और बहुत ज़्यादा मोटा नहीं लगा रही हूँ, बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। एंगल ब्रश है मेरे पास और मैं उसको ही अप्लाई कर रही हूँ। बेली का एंगल ब्रश मैंने लिया है, मेरे पास जितने भी ब्रशेस हैं वो सारे बेली के हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इनर वी पे भी मैंने अप्लाई कर लिया है, थोड़ा कैटी आई देना था। लास्ट में मैंने थोड़ा सा मर्ज किया है कलर्स को ताकि अलग अलग सा ना दिखे। उसके बाद मस्कारा अप्लाई किया है एंड या दिस इज़ द फाइनल लुक। होप आपको अच्छा लगा हो ये वाला ग्रीन ग्लिटरी आई मेकअप लुक। अगर अच्छा लगा हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।